कोविड-19 2020 के प्रकोप से दो महीने पहले था। हमारे पास सैकड़ों केसेस थे, कहीं रेप और हत्या जैसे संगीन जुर्म, तो कहीं पे लूट और फरेब जैसी जालसाजियां, जहां अपराध का हर सुरूर हर तस्वीर मौजूद हो वहां सब कुछ थ्रिलिंग होता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो हम क्राइम का साइक्लोपीडिया पढ़ रहे हैं, जहां पर मुद्दों की भरमार है। कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई चार्जशीट नहीं लिख रहा हूं, बल्कि जिंदगी के असल किरदारों की एक अटपटी सी अजीब सी पटकथा लिख रहा हूं। कई बार मैंने महसूस किया जैसे इंसानी जज्बातों का एक नॉन स्टॉप बुलेटिन चल रहा है इस केस में, जहां पर हर अगली खबर पिछली खबर से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। कट इट सर, ब्रेक की बात करते हैं। थैंक यू सर। लग रहा था ये मेरी लाइफ का डेड एंड है, बहुत घुटन हो गई थी जिंदगी से, अब यही आखिरी चाह थी, बस अंतिम सांस आ जाए, निजात मिल जाए जिंदगी से। लेकिन आप अंदर आते आते अचानक रुक क्यों गई? आप कौन? डॉक्टर गुलमोहर खरे। डोंट वरी, मैं आपसे काउंसलिंग फीस भी चार्ज नहीं करूंगा। आई? नहीं, थैंक यू। बदतमीजी तो आप कर रही हैं मैडम, जो मेरे क्लिनिक पे आके यहाँ से अचानक से वापस जा रही थी। मुझे आपकी काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है, जाने दो मुझे। अगर काउंसलिंग चाहिए ही नहीं थी तो फिर यहाँ पे आई क्यों थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जासूसी करने आई थी तू? किसने भेजा तुझे? गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ जासूसी के लिए नहीं आई थी, वो यहाँ काउंसलिंग लेने ही आई थी। एग्जैक्टली, मैं कब से कह रहा हूं कि डॉक्टर खरे के क्लिनिक में जब भी कोई आता है तो उसे काउंसलिंग ही लेनी होती है। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जिंदगी हमेशा यही खेल खेलती रही मेरे साथ। जब मैंने ऊंचा उड़ने की सोची तो जिंदगी ने मेरे पर काट दिए, और जब मैंने मरने का इरादा किया तो नरक से भी बदतर जिंदगी दे दी गई मुझे। रविश बेटा, गरीब इंसान महंगे कपड़े पहन ले तो अमीर नहीं बन जाता। तुम्हारे सपने भी महंगे कपड़ों की तरह है, हमारी हैसियत से बहुत बड़े। पापा जी, मेरी सोच आपके जैसी नहीं है, मैं जिंदगी भर आपकी तरह टेलर बन के नहीं रह सकता हूँ। भैया ऐसे नहीं बोलते, आपको तो पापा पर फक्र होना चाहिए कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान से हमें इस काबिल बना दिया, है ना पापा? वैसे पापा आपको ना रवीश भैया के टैलेंट पर भरोसा करना चाहिए, अगर वो फैशन डिजाइनर बन गए ना तो हमारी छोटी सी दुकान एक बड़े से शोरूम में कन्वर्ट हो सकती है। बेटा बड़े शोरूम के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे मौसा जी, आपकी खिदमत के लिए तो मैं हूँ ना, रही बात इसकी तो ये तो मेरा होने वाला साला है, इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं शोरूम खुलाऊंगा इसके लिए, बस आप तो मेरी और प्रीतो की शादी करा दीजिए। देखो त्रिलोक, हम लोग इज्जत आबरू वाले लोग हैं, भगवान के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। इज्जत सारे शहर में घूम लो, पता चल जाएगा किसकी इज्जत ज्यादा है, और दिल के मामले में भगवान को बीच में क्यों लाना है। बहुत इज्जत से मांग रहा हूँ, प्रीतो का हाथ दे दो, वरना उठा के ले गया ना। देख, उस त्रिलोक से बचने का सिर्फ एक उपाय है, तू मेरे साथ भाग चल। हम वैसे भी हम जब तक यहाँ रहेंगे ना, वो हमारी शादी नहीं होने देगा। तुझे भी सिर्फ शादी की पड़ी है ना, मुझे नहीं पता था तू भी इतना डरपोक है। यार तू क्या चाहती है, मैं उसका मर्डर कर दूं? तू हमेशा उल्टी सीधी बातें क्यों करता है? तेरे पापा लॉयर है ना, तो पुलिस में कोई पहचान निकाल ले। ओ यार, ये पुलिस वुलिस से कुछ नहीं होना,
उसको पता चल गया ना मैंने किया है, वो सबसे पहले मेरी मुंडी उड़ाएगा। और अगर मैं घर से भाग गई ना तो वो मेरे पापा और भैया का जीना मुश्किल कर देगा। यार कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मुश्किल से तेरे कुकर्मों से उभरी है। अब अगर तूने दोबारा यहाँ शक्ल दिखाई ना तो मैं तेनू अरे जेल में मैंने एक ही गुस्सा पाला था, जिस प्रीतो की वजह से मैं जेल के अंदर गया ना, मैं उसका घर पसने नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। सर मेरी बेटी सुरजीत का कुछ पता चला? ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि जैसी कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। तीन महीने से यही सुनती आ रही हूँ मैं, मुझे इंस्पेक्टर सुधीर से बात करनी है। उनका ट्रांसफर हो गया एक हफ्ते पहले। आप मुझे यहाँ से जाने के लिए झूठ बोल रहे हैं ना? देखिए मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने आपसे कहा एक है। मिनट, एक मिनट, कौन है, क्या हुआ? सर मेरी बेटी सुरजीत एक बिल्डर है रोहन सक्सेना, उसके यहाँ जॉब करती थी और तीन महीने पहले अचानक से उसका मोबाइल बंद आने लगा, पता नहीं कहाँ गायब हो गई मेरी बेटी। माँ मेरा काम ही ऐसा है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, अभी फिलहाल तो मैं रोहतक नहीं आ सकती। तन्ने ना एकदम पराया कर दिया मन ने, सिर्फ काम ही काम दिखता है। माँ ऐसा मत कहो। अच्छा ठीक है, मैं छुट्टी लेने की कोशिश करती हूँ। खुश? ठीक है, अपना ध्यान रखना। उसे ढूंढने के लिए मैं रोहतक से मानेसर भी आई, उसके ऑफिस वालों से भी मदद मांगी पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। हटी जी, मैं खुद हैरान हूँ कि सुरजीत ऑफिस क्यों नहीं आ रही है, इनफैक्ट मैंने तो सोचा कि कहीं घूमने चली गई होगी। वो तो मुझे बोलती थी उसे काम से फुर्सत नहीं मिलती, वो मुझे बिना बताए कहीं घूमने नहीं जाती। सच सच बताओ कहाँ है मेरी बेटी? आंटी जी मुझे सच में नहीं मालूम सुरजीत कहाँ गई है। फिर मैंने यहाँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और अब तक तीन महीने से आप मेरी बेटी को ढूंढ ना पाए। आप पर जो गुजर रही है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए इस केस पर स्टडी करने के लिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके साथ इंसाफ होगा। ठंड लग रही है अंदर, कंबल दे दूँ? बोलो ना। नहीं, फाइन। अच्छा सुनो ना, अपना दिल दे दो ना। देखो ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज 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 दे दो ना अपना दिल। सुरजीत मिसिंग केस की फाइल पढ़ के तो लगता है कि इस केस में कोई खास इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। सर हमने सुरजीत के घर और ऑफिस सब जगह इन्वेस्टिगेट किया था लेकिन कुछ खास मिला नहीं। इनफैक्ट सुधीर सर को तो ये लगता था कि सुरजीत अपनी मर्जी से कहीं चली गई। सर हो सकता है कि कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर हो। ऐसा कुछ पता चला था? नहीं सर। अब इस केस को मैंने इसी से इन्वेस्टिगेट करूंगा और इसकी शुरुआत करेंगे हम सुरजीत के उस घर से जहाँ पर वो अकेले रहती थी। सारी अच्छी तरीके से सर्च करो, शायद कहीं कोई क्लू मिले कि सुरजीत पिछले तीन महीनों से गायब कहाँ है। ओके। अंसारी ये इस पे क्या लिखा है? सर इस पे तो एंटी सोशल नारे लिखे हैं। और ये सब कुछ पहले चेक नहीं हुआ? नहीं सर। तुम्हें मालूम है ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का भी हो सकता है। सुजीत आखिर करती क्या थी? सर स्मोकिंग की लत की वजह से मुझे लंग कैंसर हो गया है और कैंसर का खर्चा मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है सर। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता सर, इसलिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी सर, लेकिन अब मैं
बैठो बैठो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें लंग कैंसर है? सर एक मिनट, तुम तो कैंसर के लास्ट स्टेज पर हो। तुम्हारा ना तो हार्ट काम आएगा, ना लिवर, ना किडनी, कुछ नहीं। एक काम करो, तुम अपनी बॉडी पे ना बॉम्ब बांधो। ये एंटी सोशल पर्चे मिले हैं हमें आपकी बेटी की स्कूटी में से। अब सच सच बताइए, किन लोगों से जुड़ी हुई थी वो? सब मेरी बेटी गलत काम कर ही नहीं सकती। मैंने आपको बताया तो था कि वो एक बिल्डर की कंपनी में जॉब करती है, वो ऐसे गलत काम नहीं कर सकती सर। सर सुरजीत हमारी एम्प्लॉय नहीं, एक्सक्लूसिव एजेंट थी। वो हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बायर्स ढूंढती थी और हम उसे बदले में कमीशन देते थे। सुरजीत की स्कूटी से हमें कुछ एंटी सोशल नारों के पर्चे मिले, आपके बिजनेस से इसका क्या लिंक है? इन सब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं सर। इनफैक्ट सुरजीत ऑफिस के बाहर क्या करती थी इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं सर। सुरजीत का कोई बॉयफ्रेंड? सर मैंने आपको पहले भी बताया था सर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ। सर मैं सुरजीत को पिछले एक साल से जानती हूँ, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि उसका किसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट होगा। अच्छा सुरजीत की माँ ने बताया कि आपका उसके घर पे काफ़ी आना जाना था, क्या आपने कभी उसके साथ में किसी ऐसे इंसान को देखा हो जो आपको ठीक ना लगा हो? ऐसा कोई? हाँ सर, आज से 4 महीने पहले मैं उसके घर गई थी, तब वहाँ उससे मिलने एक लड़का आया था। सर मुझे अजीब तब लगा जब सुरजीत से बात करते हुए उस लड़के ने अपना हेलमेट एक बार भी नहीं उतारा। अच्छा आपको क्या लगता है कौन हो सकता है लड़का? ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन हाँ उसके लेफ्ट हैंड में 6 उंगलियां थी। वो सुरजीत को कोई गिफ्ट दे रहा था, तब मैंने उसके हाथ देखे थे। अरे मेरी प्रीतो, वाह आज बड़ा खुश हूं मैं, मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। रब दी मेहर देख कि तू आज मेरी दुल्हन बने बैठी है। तुम अब मेरे रमेश भैया को छोड़ दोगे ना? अरे इतनी सी बात? ले अभी वीडियो कॉल पे तेरे भाई को आजाद कर देता हूँ तेरे सामने। जी बोलिए, क्यों मिलना चाहते थे आपसे? सर मैं पंजाबी फिल्म स्टार प्रीतो जी का मैनेजर, मुझे आपसे उन्हीं के बारे में कुछ बात करनी थी। सॉरी कौन प्रीतो? सर एक मिनट, सर ये प्रीतो जी 6 महीने पहले इन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया था। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली। इशू क्या है? सर कई दिनों से उनकी कोठी पर ताला लगा है, उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है और फिर बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। और सबसे अजीब बात यह है कि उन्होंने एक दिन पूरे स्टाफ को बुलाया और सबको एक साथ छुट्टी दे दी और कहा कि जब तक मैं ना बुलाऊँ तब तक वापस भी मत आना। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ, आप सब लोग छुट्टी ले लीजिए और जब तक मैं ना बोलूँ कोई वापस नहीं आएगा। प्रीतो सिंह की फैमिली में कौन कौन है? प्रीतो जी के पेरेंट्स गुजर चुके हैं, हाँ उसका एक भाई है रविश जो पता नहीं कहीं अंबाला में रहता है। सर मैंने उसे भी फ़ोन किया पर उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। प्रीतो भैया। अरे आइए साले साहब आइए, चाय पियेंगे? आपकी बहन बहुत अच्छी चाय बनाती है। त्रिलोक तो मेरी बहन को ऐसे जबरदस्ती अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, और सोच मेरे साथ रहते हुए प्रीतो पे तेरा मामा भी हाथ नहीं डाल पाएगा। जानता है क्यों? क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जानता है कि तेरा जीजा कितना बड़ा दबंग है। विक्रम तेरा अगले चौक पे इंतजार कर रहा है, जल्दी जा। लेकिन भैया अगर त्रिलोक को होश आ गया तो वो आपको, आप भी हमारे साथ चलो भैया। मेरी फिक्र मत कर, तू बस अपने फ्यूचर की सोच। कहने को जिंदगी चलते रहने का नाम, लेकिन मेरे लिए हर मोड़ एक डेड एंड था। मुझसे मेरा सब कुछ छीन के जिंदगी जैसे मुझे ताना मार रही थी। अब भाग अपने सपनों के पीछे।
क्या बोल रही थी तू? कि मैं नहीं जानता कि तू कौन है। आइए सर। मेरी जिंदगी में मेरे पापा और रविश भैया के अलावा कभी किसी और की जगह नहीं बन पाई। उनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं बचा। मेरा नाकाम करियर अगर कामयाबी में बदल भी जाए तो भी ये मेरे लिए अहमियत नहीं रखता, तो मैं जीकर क्या करूंगी? इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। अलविदा प्रीतो सिंह। सर घर में सुसाइड नोट तो मिला है लेकिन कोई बॉडी नहीं, और कोई सुसाइड नोट लिखकर बाहर तो मरने जाएगा नहीं। प्रीतो गायब तो है, हम इस लेटर को लाइटली नहीं ले सकते। हो सकता है लेटर किसने हमें भटकाने के लिए लिखा हो और उसी ने प्रीतो को गायब कर दिया हो। सर आसपास के एरिया में मिली अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का पता करता हूँ। अच्छा, इस लेटर में प्रीतो ने अपने भाई रविश का जिक्र किया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये सब एक बड़े क्राइम की तरफ इशारा कर रहा है। एक काम करो, प्रीतो के नेटिव प्लेस एक टीम भेजो तुरंत। यस सर। मैंने तुझे इतनी मुश्किल से फिल्म में रोल दिलाया और अब तू मना कर रही है। तुझे बोला था ना मैंने, मैं एक्सपोज नहीं कर सकती। ये हीरोइन बनने के लिए ना छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं। सुन, देख एक और चांस है। डायरेक्टर लवली ने तुझे अपने फार्म हाउस बुलाया। तो तू मुझे उसके साथ सुलाना चाहता है? तू तो त्रिलोक से भी गया गुजरा निकला। मुझे नहीं रहना तेरे साथ, जा रही हूँ मैं। सर हमने प्रीतो के घर के आसपास की छानबीन दूसरे थानों में पता किया लेकिन कहीं भी किसी औरत की अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलने की कोई खबर नहीं। तो फिर प्रीतो सुसाइड नोट छोड़कर गायब कहाँ हो गई? सर सर कांस्टेबल वसीम प्रीतो के नेटिव एड्रेस पर पहुंचा तो पता चला है कि वहां पर भी 3 महीने से ताला लगा, और सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रीतो के भाई रविश का फोन पिछले 6 महीने से बंद है, जबकि प्रीतो का फोन 15 दिन पहले कालका में बंद हुआ था। आनंद से पता करो कि कालका में कोई ऐसी जगह है क्या जहां पर प्रीतो जा सकती है, और प्रीतो के भाई का फोन पिछले 6 महीने से बंद क्यों आ गया। सुसाइड नोट में प्रीतो ने लिखा था कि पापा और भैया के अलावा उसका कोई वजूद नहीं। आनंद ने बताया था कि उसके पेरेंट्स तो गुजर चुके हैं, पर भाई भाई के साथ क्या हुआ? क्या भाई भी पिछले 6 महीने से गायब है? मांचो सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है चेक करवाओ कि क्या वो वाकई में प्रीतो की। प्रीतो और उसके भाई से जुड़ी एक एक बात बता दो। यस सर। चल प्रीतो, दिस इज साहिल जेदी, फिल्म डायरेक्टर। मैंने आपके फोटोज और ऑडिशन देखे, इट्स वेरी नाइस। मैं अपनी एक नई फिल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? सर वो मैंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया है। फिर तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे ऑडिशन क्यों भेजे? आप रवीश भैया को जानते हो? रवीश? हाँ हाँ, वो मेरे प्रोडक्शन में ड्रेस सप्लायर का दोस्त है, उसी ने मुझे तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। एनीवे अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन। क्या हुआ प्रीतो? भैया आपने साहिल जैदी को? हाँ, मैंने तो बस तुक्का मारा था, लगता है लग गया। तू फटाफट से साहिल को फोन कर और बोल मैं मिलना चाहती हूँ। नहीं भैया, पर क्या प्रीतो, तुझे नाकामी के अंधेरे में नहीं कामयाबी के उजाले में जीना है। सर माना कि उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी लेकिन इसी फिल्म के बेसिस पर उसे फ्यूचर में प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद थी। आई कांट इमेजिन कि वो सुसाइड करने का सोच सकती है। अच्छा साहिल, आपने एक लंबे वक्त तक प्रीतो के साथ काम किया है, आपको पता ही होगा कौन उसके चाहने वाले थे, प्रीतो किन को खटकती थी, उसके दुश्मनों की खबर तो होगी आपको। सर मैं तो इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ लेकिन सर प्रीतो ने मुझे कई बार बताया था कि डायरेक्टर लवली और वो कोऑर्डिनेटर विक्रम, उन दोनों ने मिलकर उसके स्ट्रगल के टाइम पर उसे काफ़ी हैरेस किया था। ना तो सुरजीत के बैकग्राउंड से ऐसा कुछ पता चला कि वो किसी एंटी सोशल मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, नहीं वो जिस कंपनी में काम करती थी उसके बारे में कोई सस्पिशियस बात पता चली। अब समझ नहीं आ रहा है कि उसकी स्कूटी में जो एंटी सोशल नारों के पर्चे मिले थे उसके पीछे क्या चक्कर है, और ये सुरजीत गायब कहाँ है? और सर सुरजीत के कॉन्टेक्ट में भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके हाथ में 6 उंगलियाँ हों। देखो अंसारी, हेलो ठीक है,
फॉरेंसिक वालों का फोन था। उन्हें सुरजीत के घर में कुछ पुराने ब्लड ट्रेसेस मिले जिन्हें मिटाया गया था। सर इसका मतलब सुरजीत के घर में किसी का मर्डर हुआ था? सर कालका में जहां पर प्रीतो का फोन बंद हुआ था वहां तो ऐसी किसी भी जगह का पता नहीं चल पा रहा है जहां पर प्रीतो जा सकती है। लेकिन एक बात और सर, अंबाला पुलिस से काफी चौंकाने वाली बातें पता चली है। सर 3 साल पहले प्रीतो के फादर का मर्डर हुआ था। व्हाट? प्रीतो के फादर का मर्डर हुआ था? हाँ सर। और सर प्रीतो और उसके भाई रविश ने ये इल्जाम अपने मामा बलराम पर लगाया था। सर इस बलराम ने 12 साल की उम्र में प्रीतो को मॉलेस्ट भी किया था, जिसके बाद 10 साल की सजा काटने के बाद उसने बदला लिया। अरे जेल में मैंने एक ही गुस्सा पाला था, जिस प्रीतो की वजह से मैं जेल के अंदर गया ना, मैं उसका घर पसने नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। निकल यहां से, नहीं तो यही गाड़ दूंगा। निकलेगा तो तू यहां से। जैसे तेरे बाप को ऊपर भेजा था ना, ऐसे तुझे ऊपर भेजूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बलराम ने ही एक एक करके प्रीतो और रविश को गायब करवा दिया? एक बात और सर, प्रीतो के ही गांव का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम है त्रिलोक, काफी दबंग आदमी है सर। इन दोनों भाई बहनों को गायब कराने का मोटिव उसके पास भी है, क्योंकि सर इस त्रिलोक ने अंबाला में जबरदस्ती शादी की थी प्रीतो के साथ। अंसारी तुमने गौर किया? बाकी सब जगह घास है लेकिन यहां पर नहीं। जरा इस जगह को खुदवाओ। ये मोबाइल सुरजीत का तो नहीं? इसका डेटा रिट्रीव करवाओ। सब चल बोल, क्या किया तूने प्रीतो और उसके भाई रविश के साथ? सर मैं तो 2 साल से प्रीतो से नहीं मिला। देख 15 दिन पहले प्रीतो का फोन कालका में बंद हुआ है, और तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में हमें कालका के कई सारे नंबर मिले। आप बेकार में मुझ पे शक कर रहे हैं, ये सब उन दोनों के मामे का कांड है। मामे को तो हम देख ही लेंगे और तेरी खातिरदारी भी चमके करेंगे। उसके साथ ही सुरजीत का पर्स और मोबाइल भी मिला है। हमें लगता है कि वो स्केलेटन सुरजीत का है। सर सर वो सुरजीत के पास जो मोबाइल मिला था उसका डेटा रिट्रीव हो गया। ये उसमें से कुछ फोटोज और वीडियोस मिले। ये त्रिलोक ऐसे नहीं टूटने वाला है। एक काम करो, जाने दो इसको और नजर रखो इसको। इसके जरिए हमें प्रीतो और उसके भाई की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बलराम पे क्या लीड है? सर फिलहाल तो बलराम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैंने अपनी खबरियों काम पर लगा दिए। और सर मैं डायरेक्टर लवली और प्रीतो के दोस्त विक्रम को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। 15 दिन पहले प्रीतो का फोन कालका में बंद हुआ था, उस एरिया में पूछताछ और छानबीन जारी रखो और उस एरिया का CCTV भी चेक करो, शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। यस सर। और हेलो सर, मैं गोहाना पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर अनुज बोल रहा हूँ। हरियाणवी एक्ट्रेस प्रीतो के ऐसे वीडियोस मिले हैं हमें सुरजीत के मोबाइल से, और सुरजीत का 3 महीने पहले मर्डर हो गया था। हमें पता चला कि प्रीतो काफी दिनों से मिसिंग है और आप इस केस को देख रहे हैं। इन वीडियोस को देख के ऐसा लग रहा है जैसे प्रीतो को कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन कौन किस मकसद से प्रीतो को फॉलो कर रहा होगा, वो भी सुरजीत के मर्डर से 3 महीने पहले। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीतो को किडनैप करने की प्लानिंग चल रही हो? लेकिन सर सुरजीत का प्रीतो के साथ में कहीं कोई कनेक्शन नहीं मिला है। अनुज प्रीतो का एक भाई भी है रविश, वो भी पिछले 6 महीने से गायब था। रविश के साथ कोई कनेक्शन बनता है क्या सुरजीत का? नहीं सर ऐसा भी कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन सर सुरजीत की स्कूटी से हमें एंटी सोशल नारों के कुछ पर्चे मिले थे, तब हमें लगा कि वो किसी एंटी सोशल मूवमेंट से जुड़ी हुई होगी, मगर बाद में ऐसा कुछ नहीं निकला। एंटी सोशल नारे, अगर हम मान लें ये वीडियोस प्रीतो की किडनैपिंग की प्लानिंग से जुड़े हैं, तो क्या प्रीतो की किडनैपिंग में एंटी सोशल एलिमेंट का हाथ हो सकता है? और हाँ सर, हमें एक 6 उंगली वाले आदमी के बारे में पता चला था जो सुरजीत से मिला था, लेकिन वो आदमी कौन है और कहाँ है इसके बारे में कोई लीड नहीं मिला। सर ये उदय मॉडल हुआ करता था, इसने प्रीतो के साथ एक एड फिल्म भी की, और 1 साल पहले इसने भी सुसाइड कर लिया था सर। लेकिन उदय के सुसाइड का हमारे कैसे क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये उदय प्रीतो के अच्छे दोस्तों में से एक था। सर राजेश
हाय मांशु, बोलो। सर, मैंने प्रीतो, सुरजीत और रविश तीनों के कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ क्रॉस चेक किए। सर, ना तो सुरजीत का प्रीतो से कोई कनेक्शन मिल रहा है और ना ही रविश से। सुरजीत मर्डर केस में गोहाना पुलिस एक छह उंगली वाले आदमी को खोज रही है। पता करो किसी छह उंगली वाले आदमी का प्रीतो या रविश के साथ कोई कनेक्शन मिलता है। ओके सर, एक बात और सर। सर, जब मैंने प्रीतो का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो वहां पर मुझे एक अकाउंट ऐसा मिला जिसका आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो रहा। किसका अकाउंट है ये? सर, ये अकाउंट किसी डॉक्टर गुलमोहन खरे के नाम से है और इसने कुछ एड्स के पोस्ट भी डाले हुए हैं। बहुत अफसोस होता है, हर साल लाखों हजारों लोग सुसाइड करते हैं। पर दोस्तों, ये कायराना कदम आप कभी ना उठाएं और अपनी जिंदगी को एक और मौका देने के लिए एक बार मुझसे जरूर मिले। डॉक्टर गुलमोहर खरे, साइकोलॉजिस्ट। सर, इस प्रोफाइल के कई फॉलोअर्स हैं जिनमें से कई लोगों के अकाउंट तो काफी टाइम पहले ही डीएक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन सर इस डॉक्टर गुलमोहर खरे के क्लिनिक का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आई थिंक ये अकाउंट फॉल्स है। एक साइकोलॉजिस्ट फॉल्स अकाउंट क्यों बनाएगा वाला? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से लोगों को ट्रैप करता है? हिमांशु, साइबर सेल को बोलो कि इस अकाउंट का आईपी एड्रेस निकाले, क्विक, फास्ट। यस सर। हाँ, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। क्विक, फास्ट। हाँ सर। सर, प्रीतो के भाई रविश से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात मालूम चली है। सर, छह महीने पहले प्रीतो ने रविश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी पानीपत पुलिस स्टेशन में। व्हाट? और सर, प्रीतो ने रिपोर्ट में मेंशन किया था कि रविश पानीपत में किसी से मिलने के लिए गया था और उसके बाद वो वापस लौटा ही नहीं। मतलब प्रीतो अपने भाई को पिछले छह महीने से ढूंढ रही थी? हाँ सर। और सर, पानीपत पुलिस वालों ने इस केस में कुछ भी काम नहीं किया। प्रीतो इतने टाइम से गायब है, तब भी पानीपत पुलिस वालों ने हमसे कॉन्टेक्ट तक नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानीपत पुलिस ने किसी पावरफुल इंसान के इन्फ्लुएंस में आकर रविश मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया? हेलो सर, कालका के रास्ते पे प्रीतो की कार खड़ी मिली और पूछताछ की तो पता चला कि ये कार कई दिनों से यहाँ खड़ी, और सर यहाँ कहीं सीसीटीवी भी नहीं। सर, गाड़ी में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। मांशु, आसपास के इलाके में चारों दिशाओं में पूछताछ करो और जहां जहां सीसीटीवी मिलते हैं चेक करवाओ। यस सर। हाँ जी सर, बोलिए। आपके घर के बाहर ये जो सीसीटीवी लगा है उसकी फुटेज लेनी है एक केस के सिलसिले। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरा ये सीसीटीवी तो कई महीनों से खराब है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। प्रीतो को किडनैप क्यों किया था तूने? और फेक डॉक्टर क्यों बनता है तू? लोगों को ट्रैप करने के लिए सर, ताकि उन्हें मार के उनका मांस खा सकूं मैं। प्रीतो को भी ट्रैप किया था तूने? हाँ सर, हाँ। वो पिछले एक साल से कर रहा था मैं उसे ट्रैप, सोशल मीडिया पे पोस्ट भेज रहा था, लेकिन कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी वो। फिर अचानक एक दिन मेरे क्लिनिक पे आ गई। पता नहीं क्या हुआ, जैसे जाने को ही मैंने दबोच लिया। क्या बिगाड़ा था प्रीतो ने तेरा? प्रीतो ने मेरा नहीं बिगाड़ा था सर, मेरे दोस्त उदय का बिगाड़ा था। इसी प्रीतो के कारण सुसाइड कर लिया था उसने। उदय दोस्त था तेरा? उदय मेरा सेक्स पार्टनर था सर, और इस प्रीतो ने उसे गे बोल के रिजेक्ट कर दिया था, और बेचारा उदय डिप्रेशन में चला गया। तेरे घर के फ्रिज में हमें इंसानों की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े मिले। और कितने लोगों को मारा है तूने? बहुत लोगों को मारा है। मारो सर, दस सर। हेलो, क्या? ठीक है सर,
उस छह उंगली वाले आदमी का पता चल गया। No question, please. Please. No question, please. Please, 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 please. शुरू से शुरू हो जाओ। सर, फिल्म शूट के दौरान हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रविश, देख प्रीतो, ये डायरेक्टर पहले भी 3-3 शादियां करके अपनी बीवियों को धोखा दे चुका है। ये साहिल भी तुझे धोखा ही देगा। नहीं भैया, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। बस मैं फिर से कह रहा हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ, इस साहिल को भूल जा। रविश, हम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा था। उसी तरफ मैंने सुरजीत की कंपनी के हाउसिंग प्रोजेक्ट में 2 फ्लैट ले लिए थे। मैंने सुरजीत को भी शादी का झांसा दिया था। मेरा ड्राइवर अक्सर सुरजीत के पास मेरे गिफ्ट लेकर जाता था, लेकिन सुरजीत को मुझ पर शक हो गया। उसे लगा कि मेरा प्रीतो के साथ अफेयर चल रहा है। सुरजीत उसको फॉलो करने लगी। जब सब कुछ कन्फर्म हो गया तो सुरजीत ने मुझे धमकी दी कि वो सोशल मीडिया पर जाकर मेरे खिलाफ एलिगेशन लगा देगी। और दूसरी तरफ रविश अड़ा पड़ा था, इसलिए मैंने रविश को पानीपत बुलाया। और वो एंटी सोशल नारे तू नहीं रखवाए थे ना सुरजीत की स्कूटी की डिग्गी में पुलिस की तहकीकात को भटकाने के लिए? प्रीतो, तुम भी इन्वॉल्व थी ना? हाँ, मैं साहिल के प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे पता है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। इसी सजा के साथ अब तुम पूरी जिंदगी जियो कि तुम अपने भाई रविश की हत्या में शामिल थे। इज इट परफेक्ट? यस सर, टेक करते हैं। रेडी? रोल सर। रोलिंग। रोलिंग। एक्शन। वैसे देखा जाए तो ये एक परफेक्ट क्राइम ही था। एक बार को आप लोग सोच के देखिए, अगर प्रीतो गायब ही नहीं हुई होती तो क्या ये केस इस तरह से खुलता? ये केस अपने आप में दिमाग को खोल देने वाला है। ज्यादातर लोग छोटी मोटी उपलब्धि पाकर सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का जादू है, उनकी मेहनत का फल है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उनको उस मुकाम तक पहुंचाने में उनके अपनों ने भी बहुत सी कुर्बानियां दी होती। प्रीतो भी अपने भाई की कुर्बानियों को भूल गई थी। वृक्ष की शाखाएं चाहे आसमान को छू लें, लेकिन जड़ के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब भी लोग इन मूलभूत सिद्धांतों से भटक जाते हैं तो अपराध उनके निकट होता है। वो लोग अपनों का अपमान, दमन, हिंसा और तबाही का कारण बन जाते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सबको मिलकर इंसानियत को इसी खतरे से बचाना है। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.